सो इज फाइनली जो है ना कावासाकी ने अपनी निंजा इलेक्ट्रिक यहाँ पे उतार दी है। तो निंजा इलेक्ट्रिक मेरे सामने अभी ये खड़ी है और इसके अंदर आपको भाई क्या कुछ मिलता है वो आज जो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो ये जो बाइक है ना कम्प्लीटली आपको लाइक फील दे देगी कि हाँ भाई ये एक इलेक्ट्रिक बाइक है। वो कैसे, क्योंकि इस बाइक के अंदर ना आपको साइड में कोई इंजन वगैरह नहीं मिलता, ठीक है, पीछे टायर पतले पतले मिलते हैं, छोटे टायर इसके अंदर नहीं है, लेकिन कहीं से भी ना मेरे को ऐसा नहीं लग रहा कि ये मतलब किसी थर्ड पार्टी का इसमें हाथ लग रहा है, क्योंकि जो फिनिशिंग कावासाकी की बाइक्स में होती है ना वो इसके अंदर मेरे को लग नहीं रही। बट फिर भी चलो देखते हैं कि भाई कावासाकी की निंजा EV1 में आपको क्या मिलता है, फिर E1 में आपको क्या मिलता है। तो सबसे पहले फ्रंट आप लोग देखो, इसमें ना फ्रंट में LED लाइट्स वगैरह आपको मिल जाएगी, ये बढ़िया सा जो है फ्रंट में वाइजर वगैरह है, मिरर्स वगैरह है, तो यहाँ तक तो सब ठीक है। उसके बाद जब नीचे जाओगे ना तो आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल रहा है भाई, USD का तो यूज़ भी नहीं है इसमें कहीं। उसके बाद ड्यूअल चैनल ABS सिंगल डिस्क फ्रंट में है, 100 सेक्शन का फ्रंट टायर आपको मिल जाएगा। उसके बाद साइड में जब मैं आऊँगा तो यहाँ पे EV निंजा की बेजिंग वगैरह है, इंडिकेटर्स यहाँ पे आपको देखने मिल जाएंगे LED। एंड यहाँ पे यदि मैं आऊँ साइड में तो आपको ये टैंक जो है ना, ये टैंक नहीं है भाई, ये एक तरीके से ना यहाँ पे ये देखो खोल के आप इसके अंदर बैटरी वगैरह निकाल सकते हो, तो इसके अंदर बैटरी फिट की गई है। और यहाँ पे आप लोगों को अंदर की साइड में दिख जाएगी मोटर बैटरी सब कुछ, पीछे सस्पेंशन वगैरह है। अब जो बैटरी है ना ये अराउंड ये समझ लो कि 3 घंटे में चार्ज होती है, एंड ये जो रेंज देती है ना वो अराउंड 150 किलोमीटर के आसपास। उसी के साथ में टॉप स्पीड 99 की है स्पोर्ट्स मोड में। यहाँ पे स्प्लिट सीट वगैरह है, E1 की यहाँ पे बैजिंग वगैरह है। पीछे की तरफ भी आपको डिस्क प्लस ABS मिल जाएगा। 120 सेक्शन का पीछे आपको टायर मिलेगा, 130 सेक्शन का आपको पीछे टायर मिल जाता है, एंड LED इंडिकेटर वगैरह। एंड ओवरऑल जो है ये कुछ इसके पूरे साइड लुक्स वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद साइड स्टैंड वगैरह देख लो, ठीक है, सस्पेंशन यहाँ पे आपको दिख जाएंगे पीछे, यहाँ पे अगेन आपको पूरा मोटर वगैरह जो है सब कुछ सेटअप देखने मिलेगा। अभी यहाँ पे सारे कंट्रोल्स वगैरह आपको मिल जाते हैं, मोड्स वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ से मैं इसको ऑन करूँगा ना तो यहाँ से जो कुछ दिखा रहा है इसके अंदर, ये देखो बटन वगैरह का, तो यहाँ से कुछ हो नहीं रहा, लेकिन चलो छोड़ो। यहाँ ये सारे कंट्रोल वगैरह इसके क्लिप ऑन हैंडल बार है, और की वगैरह आप लोग भाई देख लो कुछ इस तरीके की यहाँ पे की है। की तो मतलब पूरी प्रीमियम फील आपको देगी ही देगी इसकी। अभी इसको ऑन कर देता हूँ भाई, तो ये देखो ये इसका मीटर है, ठीक है, जिसके अंदर सारी डिटेल्स आपको दिख जाएगी। एंड रेंज वगैरह यहाँ पे कुछ शो नहीं कर रहा है फिलहाल, ऑडोमीटर शो कर रहा है ओनली। तो उसके सारे कंट्रोल्स ये यहीं पर इन्होंने दे रखे हैं, एवरेज रेंज यहाँ पर कुछ नहीं दिखा रहा, तो भाई इन्होंने कहीं ना कहीं हाइड करके रखे फिलहाल रेंज वगैरह। बट भाई हम इंडियंस हैं, हमें सब पता चल जाता है जब छानबीन करते हैं ना तब। ये क्या कछुआ सा बना रखा है यार इन्होंने, इसका मतलब बताओ क्या होता है, मेरे को नहीं पता भाई, इसलिए पूछ रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ये सारे कंट्रोल्स वगैरह एंड डिजिटल मीटर वगैरह सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिल जाती है। फिर ये है कावासाकी की इलेक्ट्रिक बाइक जो कि फाइनली अनवील कर दी है। तो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, बाकी कोई भी डाउट हो भाई कमेंट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल गाइस।